हमारे पीछे एक फरारी है, अभी शायद जल्दी हमको ओवरटेक करेगी वो। पसीने छूट गए। नो, आज ट्रेडिशनल ऑस्ट्रियन डिश खाने वाले हैं। आज बाढ़ आ गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत जोर से। आज बाहर हो रही है बहुत जोर की बारिश, आंधी तूफान आया हुआ है एकदम। लेकिन अंदर हम लोग एक बहुत ही ट्रेडिशनल ऑस्ट्रियन डिश खाने वाले हैं आज। मैंने आप लोगों को भी दिखाई दिया जाए, इसको कैमरे में आना जरूरी है, इसको कैमरे में दिखाना पड़ेगा। यहाँ आर्यन ऑलरेडी बैठा हुआ है। इस डिश को कहते हैं राकलेट। ये राकलेट ओपन है और ये राकलेट चीज है और इसको हम लोग खाते हैं आलू के साथ, उबले हुए आलू। ये ऐसे होता है, चीज को इसमें रखते हैं, इसको हीटर के नीचे रखते हैं, चीज पिघलती है, सब बैठ गए। और ये देख, बाबरा ने आलू छील के इसमें नमक और पेपर डाल रखा है। गरम गरम आलू छीलना पड़ा। हेलो, खाना खाने के बाद बच्चे लग गए हैं अपना वीडियो गेम खेलने में। आर्यन वीडियो गेम खेल रहा है अपने स्विच पे और लियम जो है यूट्यूब देख रहा है, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और बारिश में बाहर जाके नहीं खेल सकते, आंधी तूफान। वैसे तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप पेड़ों को देखें तो हिल रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है, क्योंकि बाहर का मौसम है ख़राब और हम लोग जा नहीं सकते बाहर। हम थोड़ी ऊँचाई पर हैं इसलिए थोड़ा सा ठीक भी है, लेकिन जो लोग नीचे हैं ना, अभी फेसबुक पे देखा उनके यहाँ बाढ़ रखी है भाई साहब, घरों में पानी भरा हुआ है, इतना इतना मतलब एक एक मीटर पानी भरा हुआ है लोगों के यहाँ। इतनी तेज़ बारिश हुई लास्ट दो तीन दिन में, तो पूरे महीने की बारिश दो दिन में हो गई। तो इस वक्त मारियाल नहीं ऑस्ट्रिया में बहुत सी जगहों पे कैटास्ट्रोफ डिक्लेयर कर दिया गया है। लेट्स सी, होपफुली ज़्यादा नुकसान ना हो लोगों का, लेकिन हाँ चल तो रही है आजकल ये, इसीलिए हम घर पे बैठे हैं। आज मेरी भी छुट्टी हो गई क्योंकि हम लोगों को रेस्टोरेंट नहीं खोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं तो खिलाएंगे किसको। यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से, यहाँ तक कि बाढ़ आई हुई थी। सिर्फ ऑस्ट्रिया में ही नहीं, चेक रिपब्लिक में, हंगरी में, स्लोवेनिया में, जो यहाँ की ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, सब जगह बाढ़ आई हुई थी और काफ़ी जान का नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना कि माल का नुकसान हुआ है। बहुत लोगों के घर पूरे ख़राब हो गए, मतलब उनके अंदर जितना सामान था सब ख़त्म हो गया। हम लोग जहाँ रहते हैं, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो प्लेन एरियाज हैं, लोअर एरियाज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। पिछले हफ्ते में मैंने थोड़ा सा शूट किया था अपने, हमारी जो एरलाफसी है, जो हमारा लेक है मारियाजल के पास, उसमें बाढ़ के टाइम पे पानी थोड़ा बढ़ गया था, तो वो कितना बड़ा हुआ था वो सब मैं दिखाता हूँ अभी आपको। चलिए, पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है और कई जगहों पे ऑस्ट्रिया में जो है बाढ़ आ गई है। हमारी अरलाफसी आपको पता ही होगा मेरे पुराने वीडियोस से, यहाँ पे भी पानी बहुत आगे तक आ गया। ये देखिए, नॉर्मली जगह पे रेत होती है, वो देखिए वहाँ पे बिन्स वगैरह सब पानी के अंदर पहुँच गए। कल शाम को ये सारा एरिया भी पानी में भरा हुआ था, यहाँ भी सारे पे पानी आया हुआ था। अभी थोड़ा सा कम हुआ है पर आज शाम को फिर से बारिश होनी है। रेस्टोरेंट भी बंद है, देखिए ये पानी के ऊपर होता है नॉर्मली ये सब, पर पानी यहाँ तक आ रखा है। कल ये भी अंदर था पानी के, सारे लॉग्स वगैरह बह के आ गए। ये देखिए यहाँ यहाँ तक पानी आ रखा है,
थोड़ी सी और बारिश होती तो और बाहर आएगा पानी। ये नॉर्मली बीच होता है जिसमें हम लोग पैदल चलते हैं। ये पूरा का पूरा जो वुडन प्लेटफॉर्म है ये पानी के अंदर है। नॉर्मली ये एक मीटर तक बाहर होता है पानी के। एंड व्हाट डू यू से? कूल। सो द होल स्टेक इज अंडर वाटर। Yeah, not now, but imagine. Normally, this is 1 meter down. You know. Aber das sieht man, dass das vordere Teil weiter unten ist als das obere Teil. Ja. आज जो है दिन अच्छा निकल आया, धूप निकली हुई है। हमारे पीछे एक फरारी है, अभी शायद जल्दी हमको ओवरटेक करेगी वो। विल शो यू, इट्स ओवरटेकिंग अस, इट्स ओवरटेकिंग अस, यस इट्स कमिंग नाउ, देयर ये गई फरारी। तो बेसिकली पिछले दो दिनों से जो है मौसम ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल रही है, मगर जो फायरवेयर है और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको अभी भी बहुत जगहों पे हेल्प करनी पड़ रही है। लोगों के घर वाल बर्बाद हो चुके हैं, तो वो सब तो चल ही रहा है जो इफेक्टेड हैं, मगर बाकी लोगों की लाइफ जो है नॉर्मल हो गई है। जैसे हम लोग ही हैं तो कल से ड्यूटी जाना शुरू हो जाऊंगा। तो आज क्या है, आज मैं जा रहा हूँ आर्यन के साथ, आज मैं आर्यन के साथ कहीं जा रहा हूँ। बेसिकली कहाँ जा रहे हैं हम लोग, आपको पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया पहले, मेरी एक और हॉबी है छोटी सी, एयर पिस्टल शूटिंग। हमारा मारियाजल में ही एक क्लब है, शूटिंग क्लब बेसिकली, जिसमें हम लोग एयर पिस्टल और एयर राइफल वगैरह शूट करते हैं। तो पूरे ऑस्ट्रिया में अलग अलग क्लब्स हैं, उनके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आज एक कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं हम लोग जिसमें मुझे अपने क्लब की तरफ से पिस्टल शूट करनी है। आर्यन ने कहा कि वो भी साथ में चलेगा, तो मैंने कहा चलो, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। तो पहुंच के आपको दिखाऊंगा वहां पे भी, अगर वहां क्लब वाले अलाउ करेंगे दिखाना तो वो भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कैसे क्या है। गाय सड़क क्रॉस कर रही है। Hallo. पसीने छू गए शूटिंग करने में, अभी तक का जो है अपन नंबर दो पे है। अभी कल कुछ लोगों को और शूट करना है, उसके बाद पता चलेगा फाइनल में कहाँ। पिस्टल में मैं दो लोगों नंबर, शूटिंग तो हो गई, और चूंकि अब आर्यन का बर्थडे है कल और बारबरा घर पे वेट कर रही होगी, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा। और हम निकले बाहर तो देखा कि यहाँ बारिश हो रही है, आए थे तब बढ़िया था और अब बारिश हो रही है। कितने प्यारे से फूल लगे हैं देखो। और तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, देखते हैं वीडियो कैसे बनता है, आगे क्या होता है। फिर भी अगर नहीं भी बना तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। अभी तक मैं नंबर टू पे हूँ, अभी दो अच्छे शूटर्स को शूट करना बाकी है, तो हो सकता है कि मेरा नंबर नीचे आ जाए।
वो कल पता चलेगा, पर कल मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ क्योंकि कल मुझे काम करना है, तो तब तक देखी जाएगी। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा।